हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल में व्हीकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऑटो मोबाइल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऐसी गलती करते रहते हैं कि बाइक के टायर में प्रेशर कम होता है फिर भी उसको लगातार यूज करते रहते हैं, तो इससे यूज करने से क्या नुकसान होता और क्या इफेक्ट पड़ता आपकी गाड़ी पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कम प्रेशर पर बाइक चलाने से केवल उनके टायर को नुकसान होता है, पर ऐसा नहीं होता है। उनकी सोच ये गलत है। आपके टायर पर क्यों नुकसान नहीं होती, आपके बाइक के बहुत से पार्ट पे नुकसान होती है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे बात चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। मैं रेगुलर इस पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। अगर किसी गाड़ी के टायर में प्रेशर कम रहता है तो पहली जो प्रॉब्लम आती है वो हैंडलिंग की आती है, मतलब गाड़ी को हैंडल करना। टू व्हीलर में ज़्यादा देखी जाती है, फोर व्हीलर में उतनी नहीं देखी जाती है, लेकिन टू व्हीलर में ज़्यादा देखी जाती है। वो क्या होता है, तो गाड़ी जब आप चलाते हैं तो उसको जब प्रेशर कम रहता है तो आपकी गाड़ी बबलिंग करने लगती है या जर्क करने लगती है, लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट होने लगती है। तो आपको इससे एहसास हो जाना चाहिए कि आपके टायर में प्रेशर कम है, और आपको जाकर कहीं भी प्रेशर को चेक करा लें। किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे आप, फ्री में पेट्रोल पंप तो फ्री में हो जाता है, वहाँ पर जाकर प्रेशर को चेक कराइए। और प्रेशर एक मानक होता है, उसके अनुसार अपने फ्रंट और रियर दोनों में एक मानक के अनुसार प्रेशर आप रखा करिए। इससे आपकी गाड़ी पर कोई जर्क नहीं आएगा या हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा माइलेज। माइलेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है टायर प्रेशर का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी रियर और फ्रंट व्हील के लिए अलग अलग प्रेशर देती हैं। इस मानक के अनुसार आपको प्रेशर रखना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो उससे नुकसान पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल में लीजिए, आपके टायर में 5 to 6 PSI का फुल फॉर्म होता है प्रेशर पर स्क्वायर इंच, मतलब एक इंच में कितना प्रेशर है। अगर आपके टायर में 5 to 6 PSI प्रेशर कम है तो आपके माइलेज में 5 to 7% माइलेज आपका कम हो जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी जो माइलेज देती थी उससे 5 to 6% घटकर कम हो जाएगी अगर प्रेशर 5 to 6 PSI कम है तो। अब हम माइलेज को डेली लाइफ के टर्म से रिलेट करते हैं कि डेली लाइफ में आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा, उससे आप रिलेट करिएगा। अगर आपकी बाइक दोनों टायर सही हैं तो आप उसको धक्का देकर आराम से लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर एक टायर पंचर हो जाती है तो आपको धक्का देने में पसीने छूट जाते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है माइलेज को लेकर। अगर आपके टायर में प्रेशर कम होता है तो आपके जो इंजन होती है उसमें उसको पावर अधिक देनी पड़ती है, और अधिक पावर देने में उसकी जो भी क्षमता होती है फ्यूल की जो कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए माइलेज कम हो जाती है। इसलिए आपको प्रेशर हमेशा चेक करवाना पड़ता है, और चेक करवाते रहिए कि आपकी प्रेशर आपके गाड़ी में प्रेशर कितना है, और उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करते रहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्जॉस्ट या पॉल्यूशन। जब हमारे इंजन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उसको पावर अधिक देना पड़ेगा, और जब पावर अधिक देगा तो उसमें जो एग्जॉस्ट से जो गैसेज निकलते हैं, हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इससे हमें पॉल्यूशन की भी इफेक्ट पड़ेगा, पॉल्यूशन जो होता है बाइक से निकलता वो भी अधिक मात्रा में निकलेगा। फोर्थ पॉइंट है टायर ट्रेड। टायर ट्रेड क्या होता है, तो जो भी टायर पे खांचे बने होते हैं या ग्रिप बनी होती है टायर गाड़ी को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टायर में प्रेशर कम रहेगा तो टायर का मैक्सिमम पार्ट सरफेस रोड से कॉन्टेक्ट रहेगा, मतलब टायर का मैक्सिमम सरफेस रोड से कॉन्टेक्ट रहेगा, जिससे फ्रिक्शन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। फ्रिक्शन की मात्रा बढ़ने से जो भी ग्रिप होती है उसमें घिसाव होने लगती है। अगर आप लगातार इसको ऐसे ही यूज करते रहेंगे तो उसका ग्रिप धीरे 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 कम होता जाएगा और आपके टायर को नुकसान पहुंचेगा, कुछ दिन के बाद आपकी टायर फट भी सकती है। इसलिए टायर ट्रेड को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है प्रेशर कम होने से। पाँचवा पॉइंट है स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम का मतलब क्या होता है, अगर आप नॉर्मल बाइक चला रहे हैं और ब्रेक लेते हैं तो मानिए आपकी गाड़ी 10 सेकंड में रुक जाती है, लेकिन आपके अगर टायर में प्रेशर कम है और आपने ब्रेक लिया तो आपकी गाड़ी 15 सेकंड ले सकती है, मतलब टाइमिंग उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए दुर्घटना होने की एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है अगर आपके टायर में प्रेशर कम है तो। इसलिए आपको टायर की प्रेशर को मेंटेन करना अनिवार्य होता है। लास्ट पॉइंट है टायर फेलियर। अब टायर फेलियर क्या होता है, तो टायर फेलियर बोलिए या टायर का फटना बोलिए, अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं और आपके टायर में प्रेशर कम है तो लगातार चलने से प्रेशर फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन से टायर में हीट उत्पन्न होता है, और टायर जो होता है हीट होते होते लगातार चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि वो फट जाता है। इसलिए आपको मेंटेन करना, उसको प्रेशर को मेंटेन करना अति आवश्यक होता है। इससे एक्सीडेंट बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर है और आपकी टायर फट जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है और टायर की जो प्रेशर है उसको
मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप बाइक चला रहे हैं, आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको प्रेशर उसको मेंटेन करें। यार एक टायर प्रेशर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इस चैनल पर रेगुलर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप इसको देखिए और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इस चैनल से।